तो आज का हमारा लेक्चर है अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस, यानी कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आज हम जो है जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा इनहेरिटेंस, और इस इनहेरिटेंस का इन जावा व्हाट इज पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक्चुअली आपके पास जावा के अंदर इनहेरिटेंस इज नथिंग, बस इसका सिंपल सा पर्पस ये है कि जो आपके पास कुछ पेरेंट क्लास की चीजें होती हैं, यानी कि आपने दो क्लासेस बनाया इन जावा, ठीक है, एक क्लास ऐसा है जिसके अंदर आपने दो तीन मेथड बनाए हैं, और उसी क्लास को अगर दूसरा क्लास एक्सटेंड कर रहा है, जो क्लास उसको एक्सटेंड कर रहा है तो वही क्लास उस अपने पेरेंट क्लास की चीजों को यूज कर सकता है, उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? तो इनहेरिटेंस सिंपली इतना समझ लो कि जो भी क्लास जिसके अंदर जो भी आपने चीजें लिखी हैं उसी क्लास को अगर कोई क्लास एक्सटेंड करता है तो फिर वही क्लास जो एक्सटेंड कर रहा है वो सारी चीजें उस पेरेंट क्लास की यूज कर सकता है। क्लियर हुआ? अब फॉर एग्जांपल आपका फादर एक पेरेंट क्लास है, फादर की प्रॉपर्टी आप यूज करते हो, सही है, फादर के पैसे, फादर की बाइक, फॉर एग्जाम्पल फादर की गाड़ी, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो फादर क्लास के ऊपर चाइल्ड क्लास का हक होता है कि वो उसकी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो फादर या पेरेंट क्लास के अंदर आपकी होती हैं, क्या प्राइवेट होती हैं, सही है, वो आपने एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े थे तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर वो एक्सेस भी लिमिटेड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पे हमारे पास कुछ टाइप है इनहेरिटेंस के। क्लियर? अब आप यहां पे ये जो देख रहे हैं कि एक पेरेंट क्लास है उसी से आपकी एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही है। क्या हो रही है? इनहेरिट हो रही है। तो अगर आप यहां पे बताएंगे ना कि पेरेंट क्लास है और हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है, तो आप यहां पे ऐसे बताएंगे कि आपके पास एक ऑलरेडी बना हुआ क्लास है जिसका नाम पेरेंट क्लास है, और हम जो दूसरा क्लास बना रहे हैं उसका नाम चाइल्ड क्लास है। क्लियर? तो मैं यहां पे सिंपली ये लिखूंगा कि क्लास चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स, कौन सा हमारे पास, पेरेंट क्लास। तो आपकी ये जो चाइल्ड क्लास हमें मिल रही है वो ऑलरेडी बने हुए कौन से क्लास से मिल रही है, पेरेंट क्लास से, जैसे फादर से आप आए। क्लियर? एज इट इज आपके पास किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास से आप एक न्यू क्लास बना सकते हो इन इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ? और उसको इनहेरिट करने के लिए, यानी कि इस क्लास की एट्रीब्यूट्स को इस क्लास में भी एक्सेस करने के लिए, यानी कि पेरेंट क्लास की एट्रीब्यूट्स या मेथड्स को इस चाइल्ड क्लास के अंदर जो है एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? और ये एक्सटेंड्स है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप है इनहेरिटेंस के। क्लियर? अच्छा, इनहेरिटेंस के वो कौन कौन से टाइप हैं वो भी पढ़ते हैं पहले, और उनको प्रैक्टिकली ट्राई भी करते हैं। क्लियर हुआ? तो मेरे पास पहले जो ये यहां पे हो रही है ना, इसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये जो हमने यहां पे किया है वो आपकी क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक हुआ? क्योंकि आपके पास एक ही क्या है, पेरेंट क्लास है, और उसी से आपका एक चाइल्ड क्लास क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, एक फादर उसका एक बेटा। क्लियर हुआ? तो आपकी यहां पे सिंगल इनहेरिटेंस होगी, यानी कि उसी फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी वो चाइल्ड जो है एक लौता पर्सन वो यूज कर सकता है। क्लियर हुआ? एज इट इज आप यहां पे आके हम नेट भी ऑन करते हैं और प्रैक्टिकली इसको ट्राई करते हैं कि वो कैसे पेरेंट क्लास की चीजें चाइल्ड क्लास यूज कर सकता है। आ रहा है समझ? ठीक हुआ। तो मैं यहां पे आके फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूं, और उस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं बैच, जो आपकी बैच है 7 18 07 F। ठीक हुआ, क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास एक बैच के नाम से एक क्लास मिल चुकी है, आप क्लास का या पैकेज का नाम चेंज कर सकते हैं, सही है। तो मैं यहां पे आके पैकेज का नाम रख देता हूं, राइट क्लिक करके आप जाएंगे कहां पे, रिफैक्टर में, और रीनेम कर देंगे। क्लियर
तो ये पैकेज जिस जिस जगह पे यूज हुआ है वहां पे आपका ये चेंज हो जाएगा। मैं इसका नाम रख देता हूं इनहेरिटेंस, क्या रखते हैं इनहेरिटेंस, और उस क्लास का नाम भी हम रिफैक्टर करके कुछ और रख देंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जीक्यूट हो जाए, हो गया। उसके बाद में यहां पे आके इसके अंदर जो आपकी ये क्लास भी बनी हुई है डॉट जावा एक्सटेंशन से, उसको भी आप यहां से आके रिफैक्टर करेंगे और उसका नाम हम रख देंगे यहां से जो है आपके पास हो जाएगा क्लास ए। क्या नाम रख देंगे? क्लास ए, ताकि आपको समझ में इजी आ जाए। आ रहा समझ? क्लियर। अब इसी ए क्लास के अंदर जो आपका मेन मेथड है वो मैं निकाल देता हूं, सही है? यानी कि मेन मेथड हम किसी और क्लास के अंदर रख के उसके अंदर एग्जीक्यूशन कर लेंगे। क्लियर हुआ? और मैं यहां पे आके एक दूसरा क्लास बनाता हूं, क्लास बी, जो एक्सटेंड्स करेगा किसको? क्लास ए को। यानी कि ए एक पेरेंट क्लास है और उसी क्लास से जो दूसरी क्लास हमें जो है मिल रही वो कौन सी है? बी क्लास है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लास ए के अंदर एक मेथड बनाया है void show, ठीक हुआ, और यहां पे आके मैं एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख देता हूं कि शो मेथड इन क्लास ए। शो मेथड कौन से क्लास में है? ए मेथड में, सॉरी ए क्लास में, सही है। अब अगर आप इसी क्लास को देखें, बी के अंदर अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं बनाया, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल बेटे से बेटे के ऊपर किसी का कर्जा है, वो जाके उसी बेटे से कहता है कि यार मेरा जो तुम्हारे पास कर्जा है वो दे दो, तो उसके पास नहीं होगे तो वो कहां से मांगेगा? पेरेंट से, सही है। एज इट इज अगर हम बी से कोई चीज मांगेंगे उसके पास नहीं होगी तो कहां से लेकर देगा? ए से। क्लियर हुआ? तो एज इट इज अगर मैं यहां पे आके क्लास सी बनाता हूं, अब इस क्लास सी का उन दोनों क्लासेस से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि उनकी इनहेरिटेंस वगैरह नहीं हो रही। क्लास सी के अंदर सिर्फ हम मेन मेथड रखेंगे, क्योंकि जावा के हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाला मेन मेथड है, ठीक है। अच्छा, यहां पे मेरे पास है क्लास सी। क्लास सी सिर्फ एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए, यहां पे वो जो हमने मेन मेथड बनाया था ना वो रख देंगे, कि आपके पास ये वाली क्लास जो सी है क्लास, इस सी क्लास को सिर्फ एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें मेन मेथड चाहिए टू एग्जीक्यूट एनी जावा कोड। क्लियर हुआ? क्योंकि जावा के अंदर मेथड्स की बहुत ही वैल्यू है, विदाउट मेथड्स जावा की कोडिंग कुछ नहीं है, एवरी वर्क इज डन इन मेथड्स। क्लियर हुआ? तो मेन मेथड आपकी ऐसी चीज है जिसके अंदर आपकी जो है ऐसा समझ लो एंट्री है आपके एग्जीक्यूशन की। क्लियर हुआ? अब यहां पे आके मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो आप बी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? जो क्लास का नाम है वो लिखते हैं, इसका नाम क्या है? बी। फिर ऑब्जेक्ट का नाम आप जो रखे रख सकते हैं, मैंने रखा है ओबीजे, सही है। जैसे वेरिएबल के नाम देते हैं वैसे ही आप ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं, मैंने ओबीजे रखा है, आप ए बी सी डी जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड जब भी लगता है ऐसा समझ लें किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, सही है। तो न्यू कीवर्ड किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं, और ये यही न्यू कीवर्ड आपके उसी ऑब्जेक्ट को न्यू मेमोरी भी असाइन कर रहा होता है। न्यू मेमोरी, आ रहा है समझ? क्योंकि ये जो ओबीजे बनेगा ना, ओबीजे, इस ओबीजे के लिए एक मेमोरी के अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी, वो आपकी न्यू कीवर्ड क्या करेगा? न्यू मेमोरी असाइन करेगा, सही है। और आप जो भी चीजें यहां पे कॉल करेंगे, कौन से क्लास से? बी से, तो बी का ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि बी के अंदर जितनी भी चीजें हैं मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर सकता हूं। आ रहा समझ? अब बी के अंदर तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं बी के अंदर या बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू वहां से डॉट, बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन सी चीज कॉल करेंगे हम? जो ए के अंदर है, ठीक है। ए के अंदर कौन सा मेथड है? शो है, ऐसे ही है। अब बी का खुद का कुछ भी नहीं है, वो कहां से वैल्यू लेके दे रहा है? ए से, क्योंकि खुद बी एक्सटेंड हुआ है कहां से? क्लास ए से एक्सटेंड हुआ है। तो हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ओके, अच्छा, यहां पे आके
इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक करें, यहां से आके आप रन फाइल कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रन फाइल करें, F6 प्रेस कर दें या शिफ्ट F6 प्रेस कर दें, आपकी मर्जी है। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वेस टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम इन नेटबीन्स टूल। क्लियर हुआ? मैं यहां से आके रन कर सकता हूं। तो देखें, आपको बता रहा है कि शो मेथड इन क्लास ए। अब बी के थ्रू मैंने ए से वैल्यू ली, समझ में आ रहा है? तो देखें, अब बी के अंदर मुझे बनाने की कोई चीज जरूरत नहीं है, वो ए से मांग के दे रहा है, इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। फायदा यह है कि आपकी जो चीजें पेरेंट क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है उनको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल, आप ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं सिंपली किसी भी क्लास को जो एक्सटेंड कर रहा है उसको। क्लियर हुआ? अच्छा, ये थी एक सिंपल इनहेरिटेंस जिसे हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। नाउ वी हैव टू कम विथ, आपके पास है एक दूसरी जो आप कहते हो मल्टीपल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। ठीक है, तो वन बाय वन इसको कवर करते हैं। अच्छा, ये तो थी हमारे पास सिंगल। अब अगर मैं बात करता हूं मल्टी लेवल की, तो मल्टी लेवल का मकसद ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसी क्लास को जो एक्सटेंड हुई है किससे? पेरेंट से। सही है? आप ऐसा समझ लो, फादर है आपके, फिर आप है, कल को आपके बच्चे होंगे, एज इट इज आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपके बच्चों का हक होगा, ऐसे ही है ना? एज इट इज आप यहां पे आके क्या करेंगे, यहां पे आके आप जो है फिर से सब चाइल्ड बना देंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे देखें, इस क्लास को भूल जाएं, ये वाला जो क्लास है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्लास आपका ऐसा क्लास है जो खुद इनहेरिट हो रहा है। आप ऐसा समझ लो, ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है और ये आपका सन है। क्लियर हुआ? एज इट इज आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी के ऊपर किसका हक है? फादर का। एज इट इज आपके फादर की प्रॉपर्टी पे सन का हक है। क्लियर हुआ? तो आपका यहां पे क्या हो रहा है, एक पेरेंट क्लास है, उसी से कोई दूसरा क्लास इनहेरिट हो रहा है, फिर जो इनहेरिट हुआ है उसी से भी दूसरा इनहेरिट हो रहा है। तो ऐसी इनहेरिटेंस को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ? उसके बाद हमारे पास, अच्छा देखें आप, अब यह भी याद रहे कि सब चाइल्ड का उस ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पे भी हक है, ऐसा ही है ना? क्योंकि वही ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी फादर को मिली है। क्लियर हुआ? तो सब चाइल्ड को भी जो दूसरा क्लास इनहेरिट कर रहा है वो अपने उस ग्रैंड पेरेंट से चीजें यूज कर सकता है। क्लियर हो गया? प्रैक्टिकली करके देखें, चले आ जाते हैं। एक मिनट सबर करें, ठीक है सबर करें, चल लेते। उसके बाद यहां पे आते हैं, एक तीसरा क्लास बनाते हैं। वी हैव क्लास बी सी, ए क्लास है जिसके अंदर शो है, बी के अंदर भी एक मेथड बना लेते हैं यहां पे, वॉइड टेस्ट के नाम से। किस नाम से? टेस्ट के नाम से। और मैं यहां पे बता देता हूं कि टेस्ट मेथड इन क्लास बी के अंदर है। ये कौन से क्लास के अंदर है? बी के अंदर। अब उसके बाद इसी क्लास बी को जो एक्सटेंड कर रहा है वो क्लास डी है। क्लास डी एक्सटेंड्स, आगे पीछे हो गए ऑर्डर, लेकिन आप इतना समझ लो कि क्लास डी एक्सटेंड कर रहा है किसको? बी को। सही है? बी को, सब चाइल्ड को। तो यहां पे आ जाए। अब अगर हम डी का ऑब्जेक्ट बनाए, किसका ऑब्जेक्ट बनाए? डी का। तो आप डी के थ्रू कौन से? बी को भी एक्सेस कर सकते हैं और ए के अंदर जो मेथड है या वेरिएबल है उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि आपके जो ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड पेरेंट है, सॉरी, जो आपका है क्लास, उसका पूरा हक है कि वो फादर और ग्रैंडफादर की चीजों को यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक हुआ। अच्छा यहां पर आते हैं, और यहां पर आके आप, मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूं डी का, और यहां पे आके उसी डी को डी के थ्रू कॉल कर लेते हैं
ठीक है। अच्छा डी के थ्रू हम टेस्ट मेथड को कॉल करते हैं, सही है, यानी कि सन के थ्रू फादर की चीजों को एक्सेस कर रहे हैं। आ रहा है समझ, क्लियर हुआ? यानी कि आप डी का ऑब्जेक्ट बना के बी के अंदर जो मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि बी के अंदर कौन सा मेथड पड़ा है, बी के अंदर आपका कौन सा टेस्ट मेथड पड़ा है, इसी टेस्ट मेथड को मैं इस क्लास डी के थ्रू एक्सेस कर रहा हूं। समझ में आया, क्लियर हुआ? मैं यहां से आके एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखें एक्सेस हो रहा है टेस्ट मेथड इन क्लास बी, क्लियर। अच्छा अब ये तो वो अपने पेरेंट से मांग रहा है, अगर हम कहते हैं जो उसका भी पेरेंट है, यानी कि डी एक्सटेंड हुआ है बी से और बी खुद एक्सटेंड हुआ है ए से, सही है, तो डी का पूरा हक है कि वो ए की चीजों को भी एक्सेस कर सकता है, क्लियर हुआ? तो मैं यहां पे आके डी के थ्रू शो मेथड जो क्लास ए के अंदर है ना, कौन सा मेथड है, शो है, उसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूं। यहां पे देखिए एक्सेस हो रहा है शो मेथड इन क्लास है, सही है। तो सन के थ्रू फादर की चीजें एक्सेस हो रही है और उसी सन के थ्रू ग्रैंडफादर की चीजें भी एक्सेस हो रही है। आपको बार बार लिखने या कोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। अच्छा कैसे कॉल करेंगे, अब इसी ऑब्जेक्ट से आप एक बार शो मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब यहां पे आके फिर से ओबीजे बनाएं डॉट टेस्ट, उसको भी कॉल कर ले, ठीक है, आप दोनों को एट अ टाइम कॉल कर सकते हैं। अच्छा अब ये कॉल हो रहे हैं दोनों। अच्छा अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये तो हो रही मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्या ऐसा हो सकता है कि पेरेंट के थ्रू या पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के, यानी कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना के बी से चीजें ली जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो पेरेंट क्लास है वो सिर्फ अपने मेथड तो शो कर सकता है, आपको प्रोवाइड कर सकता है, वो अपने चाइल्ड के मेथड आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आप यहां पे अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, ए का, तो सिर्फ ए के ही मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, किसी बी या उसके सब चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। यहां पे आ जाए प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो डी का ऑब्जेक्ट बनाया था, अब हम ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू देखें शो तो एक्सेस हो रहा है लेकिन टेस्ट के ऊपर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है कि आप बी के अंदर जो मेथड है वो ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते, क्लियर हुआ? अच्छा उसके बाद हमारे पास एक जो है टाइप है जिसको हम कहते हैं हायरार्कल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, हायरार्कल इनहेरिटेंस, आपका थर्ड टाइप है, हायरार्कल इनहेरिटेंस कहते हैं इसे, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। अच्छा ये आपका तीसरा इसका टाइप है जिसे हम हायरार्कल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये पता है क्या होता है, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं न्यू जो है यहां पे कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा यहां पे आपके पास एक पेरेंट क्लास है, ठीक हुआ, अब ये आपका है पेरेंट और ये आपका है चाइल्ड वन और ये आपका है चाइल्ड टू। अच्छा अब देखें, अब एक पेरेंट के दो चाइल्ड हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसी इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हायरार्कल इनहेरिटेंस, कि एक ही पेरेंट क्लास से दो सब क्लासेस या दो से ज्यादा सब क्लासेस इनहेरिट हो रहे हो। समझ में आया? तो इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे आके फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डी को नहीं करते, यहां पे आते हैं, देखें अब बी एक्सटेंड हो रहा था ए से, ऐसा ही है, एक क्लास है जिससे बी एक्सटेंड हो रहा था। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक क्लास डी बनाता हूं और डी को भी एक्सटेंड खुद ए से करेंगे, किससे, अब ये बी से नहीं हो रहा, किससे एक्सटेंड हो रहा है, जो है आपके फादर क्लास से, सही है। तो यहां पे आते हैं, तो यहां पे आके आप इसी के डी के थ्रू अब किसको एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ ए के मेथड्स को, बी को एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आया? तो एक ही क्लास से दो क्लास इनहेरिट हो तो आपकी वो इनहेरिटेंस हायरार्कल इनहेरिटेंस कहलाती है। समझ में आया, क्लियर? और वो जितने भी सब चाइल्ड क्लासेस होते हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा आप दूसरी बात सुने, यहां पे जो पेरेंट क्लास होता है इसको आप पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं
पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है, सुपर क्लास भी कह सकते हैं, इसके इसको आप बेस क्लास भी कह सकते हैं, तीन नाम है इसके, समझ में आया? सुपर क्लास, बेस क्लास या आपके पास पेरेंट क्लास, आप तीनों नामों से उसको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो चाइल्ड क्लास है, इसको आप चाइल्ड भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको चाइल्ड भी कह सकते हैं और आप इसी को ड्राइवड क्लास भी कह सकते हैं, समझ में आया? क्लियर। उसके बाद आपके पास ये जो इनहेरिटेंस कहलाती है वो कौन सी इनहेरिटेंस है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अच्छा, एक लास्ट आपके पास टाइप है जिसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, सही है क्या? मल्टीपल, एक थी सिंगल, एक थी आपके पास मल्टी लेवल, क्या थी? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरी थी हायरार्किकल, फॉर एग्जांपल। उसके बाद आपके पास फोर्थ वन है मल्टीपल, क्या है? मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसी इनहेरिटेंस होती है, ये आपको यहां पे जावा के अंदर अलाउ नहीं है, इन क्लासेस, इन क्लासेस आपके पास जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेसेस। किसके थ्रू कर सकते हैं? इंटरफेसेस, मैं आपको करके समझाऊंगा। इसका पर्पस क्या होता है जो आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है? इसका पर्पस ये होता है कि आपके एक चाइल्ड क्लास के दो पेरेंट हो या दो से ज्यादा पेरेंट हो, सही है, कि एक ही चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से एक्सटेंड करे, अगर ऐसा हो तो आपकी वो मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाती है, सही है। तो जावा के अंदर अगर क्लासेस की आप कर रहे हो इनहेरिटेंस तो वो अलाउ नहीं है, एक क्लास को सिर्फ एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकता है, या एक क्लास मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट नहीं होता एट अ टाइम, सही है, कि ए बी सी तीन क्लासेस हैं, डी क्या तीनों को एक्सटेंड कर सकता है? नहीं कर सकता, यानी कि डी एक चाइल्ड क्लास है जो तीनों को एज अ पेरेंट क्लास ड्राइव करे, नहीं हो सकता ऐसा, क्लासेस के अंदर नहीं है, लेकिन हां इंटरफेसेस के अंदर आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है और आपकी हो सकती है इन जावा, ठीक है। तो जब हम इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट सच काइंड ऑफ एफर्ट ओवर देयर, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कुछ सेकंड लेक्चर कवर करेंगे, सही है।